दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी अपने मोबाइल में एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है और मेरे से कोई भी अपडेट नहीं मांगा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया जाता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखे उस पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस घंटे वाले बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे दोस्तों यह होगा हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एफएम व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं आए तो ऊपर एक सर्च वाला बटन भी है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है एफएम व्हाट्सएप और उसके बाद सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप यहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद सबसे पहले एफएम व्हाट्सएप का वर्जन चेक करना है, लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। अगर लेटेस्ट वर्जन है तो एफएम व्हाट्सएप को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और उसके बाद एफएम व्हाट्सएप एपीके के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आते रहना है और नीचे आने के बाद डाउनलोड एफएम व्हाट्सएप नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद 30 सेकंड का टाइम चलेगा और जैसे ही ये 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने डाउनलोड एंड अपडेट एफएम व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं एफएम व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में डाउनलोड होने लगा है। अब चलिए हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड हो रहा है तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एफएम व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। डन कर देने के बाद चलिए हम इस ऐप को क्लोज कर देते हैं और क्लोज कर देने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अलाउ कर देते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे से मेरा मोबाइल नंबर डालने को बोला जा रहा है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और मोबाइल नंबर डाल देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देने के बाद अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई विथ एसएमएस पर क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है और मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अलाउ कर देते हैं। अलाउ कर देने के बाद स्किप कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर डाल देते हैं। नाम डाल देने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप सभी के सामने एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होकर लॉगिन भी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी एफएम व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सीख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जब तक अगले वीडियो में।